ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरमंदिर साहिब जी में माथा टेक कर देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। आगे बात करेंगे पन्ना की, जहां भीषण गर्मी के चलते हजारों चमगादड़ों की हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी रतलाम की, जहां 22 मई को लापता महिला का मिला शव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को पंजाब के चुनावी प्रवास के दौरान श्री हरिमंदिर साहिब जी में मत्था टेक कर देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया। मंदिर कमेटी ने मुख्यमंत्री को स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति का स्मृति चिन्ह भेंट किया। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां इंदौर राव थाना क्षेत्र का मामला है। पीड़ित पति संजय साहू ने पत्रकारों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने पत्नी पर आरोप लगाया है कि पत्नी के कुछ दूसरे व्यक्तियों से मित्रता है और इसके चलते वो अक्सर जान से मारने की धमकी और आए दिन मारपीट करती है। उसने आशंका जताई है कि शासन प्रशासन उसे उसकी पत्नी से छुटकारा दिलवाए, अन्यथा किसी दिन उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। ये आपके साथ है। मेरे साथ में शुरू से मारपीट करती रही है और पुलिस का सर रक्षण रहा राउत थाने में पदस्थ था सवनी सालीराम रघुवंशी से, उनसे उनके मेरे अनुपस्थिति मेरे घर आना जाना रहा, उससे संगत में होके मेरे खिलाफ 498 का फर्जी मुकदमा किया जिसपे मैं दोष मुक्त हो गया हूँ। और मेरे घर आने जाने का मैंने शिकायत पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों से किया था, जिसपे उसको जांच में दोषी पाया गया था और उसकी पेंशन वृद्धि रोका गया था। उसके बाद मेरी पत्नी उसकी तलाक हो चुकी है, तो उसके बाद मेरे संपत्ति पे कब्जा करी अवैध रूप से, और उस संपत्ति को हड़पने के लिए मेरे बच्ची जो मेरे अभिरक्षा में हैं उसको बरगला करके दबाव पूर्वक मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहती है, जिससे कि मैं शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर लूं। आपकी बच्ची का क्या नाम है, आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरी बच्ची का नाम है महिमा। और पत्नी का? शशि। तलाक हो चुकी है उससे, मेरी पत्नी नहीं है। आपका क्या नाम है? संतोष साहू। इसकी शिकायत आपके किसी रिश्तेदार ने करी है? किसकी शिकायत? आपकी पत्नी की। आपकी पत्नी की किसी रिश्तेदार ने आपकी शिकायत करी है? जी। किसने करी? उसने उनको धमकी दे रहा था फोन पे। अच्छा जी। कौन दे रहा था धमकी? मेरे ससुराल वाले को दे रहा था जी। उसका कुछ नाम पता होगा आपको? हाँ, ये उन्हें राउत थाने से बोल रही हूँ, बोलिए शशि की आवाज़। और आप बताते हैं कि आपकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है? किस किस से अवैध संबंध है वो जाने, मेरे को बता के थोड़े करेगी। मैंने सालीग्राम रघुवंशी आता जाता था वो, तो उसके खिलाफ मैंने वीडियो दिया था जिसपे दांत पे दोषी पाया। उसके बाद पिछले महीना शंकर ठाकुर को लेके मेरे साथ मारपीट किया, जिसकी शिकायत मैंने किया उस पर अपराध पंजीबद्ध। इंदौर से कैमरामैन पूजा हिरवे के साथ सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवे की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार बेईमान है, बेईमानी ना करे। ये बातें सिद्धनाथ सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के पिता के 13वें कार्यक्रम में कही। वही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह के पिता के 13वें कार्यक्रम में उनके घर एरोरा सोनपुर पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत का जमकर स्वागत किया। राकेश टिकैत ने कार्यक्रम में पहुंचने पर सिद्धनाथ के पिता के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वही प्रेस वार्ता में राकेश टिकैत ने कहा कि एरोरा में लगे अवैध टोल प्लाजा का जो भी हटाने का मामला है वो चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद जो भी सरकारें आएंगी उससे फिर से बात की जाएगी। भारत सरकार को पहले भी हटाने के लिए लिखा था, फिर से लिखेंगे। वही क्षेत्रीय जनता ने कहा कि फिर आंदोलन चलाना चाहिए जिससे टोल प्लाजा को हटाया जा सके। मेरा जो मुद्दा है वो पहले किसानों का कर्ज माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी का है, MSP कानून गारंटी का है। ये मेरे तीनों मुद्दे मुख्य मुद्दे हैं जिस पर सरकार से वार्ता की जाएगी और लागू करने का प्रयास भी किया जाएगा। और कहा कि भारत सरकार बेईमान है, बेईमानी ना करें, पक्का करेगी जैसे विधानसभा में किया, 90 सीट जीतकर 290 का कागज बना दिया। आइए जानते हैं इस विषय में राकेश टिकैत ने आगे और क्या कुछ कहा। जो टोल वाला मामला है, यहाँ के अधिकारी मानते हैं कि टोल गलत उस पर लगा हुआ है। भारत सरकार को पहले भी लिखा, फिर लिखेंगे, और क्षेत्रीय जनता को उसके खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, जैसे पहले चला फिर आंदोलन चलाओ। हमारा जो पूरा इशू है वो कर्जा माफी का है,
स्वामीनाथन कमेटी का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, ये हमारा पूरा इशू है हमारे। और बुंदेलखंड में खनन संपदा बहुत है बुंदेलखंड, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ तो बैरिकेटिंग लग जाए ना, चारों तरफ गेट बने बुंदेलखंड पे, और यहाँ से बाहर जाता उसकी रॉयल्टी तो सब बुंदेलखंड के विकास के लिए लगनी चाहिए, कोई समस्या नहीं रहने की। जितनी खनन संपदा बुंदेलखंड में है इतनी कहीं नहीं है। हर क्षेत्र में जो है टोल प्लाजाओं को देखा जा रहा है कि काफी माध्यम जो आपके एरिया से काफी डेवलपमेंट है, लेकिन इस एरिया में जो है किसानों को और इसमें बुंदेलखंड में कुछ तो प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा हो रहती है और पानी की रिस्की बड़ी समस्या रहती है, फसलों के दाम नहीं मिलते, अजीब हालात बुंदेलखंड का है। इसलिए बुंदेलखंड के लिए अलग पैकेज सरकारें दे और वो नेचुरल रूप से वहाँ पर लगना चाहिए सारा पैसा। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व जिलाधिकारी जो रहे विद्या मिश्रा जी नहीं यहाँ पर इस टोल प्लाजा के मामले में उनको जो यहाँ से हटा जो स्थानांतरण कर दिया गया, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा तो नहीं कुछ लगता कि क्यों करा गया। चौधरी जी यहाँ पर 15 किलोमीटर दूरी पे दो टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। अरे ये जनता को भाई तोड़ने पड़ेंगे, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखो किसान संगठन तो इन लोगों को फ्री भी निकल जा, दुखी जनता है, जनता को भी साथ देना पड़ेगा इसमें। कब टूटेगा ये? और पर जब जनता चाहेगी छूट जाएगा। लेकिन अगुवाई कर ही रहे हैं, अगुवाई कर ही रहे इसके, और फिर बातचीत करेंगे, इलेक्शन हो जाए तो फिर इस पर बात करेंगे। अभी अभी अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, इस चुनाव के लेकर आप क्या समझते हैं? चुनाव ये है कि भारत सरकार बेईमान है, बेईमान ना करेगी, पक्का करेगी। जैसे विधानसभा में करा 90 सीट जीतते, 255 के कागज दिए बनाएंगे जीत के। एक आदमी इलेक्शन कमीशन में नहीं जाता। आज राड तो हो रही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन की राड। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जहां गर्मी से आम जन जीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं पशु पक्षियों का हाल भी बेहाल है। वही पन्ना में एक आश्चर्यचकित घटना से अब दैलान ताल के रहवासी परेशान है और उन्हें किसी अज्ञात बीमारी का डर सता रहा है। दरअसल यहां तालाब किनारे पेड़ों से अचानक हजारों की संख्या में चमगादड़ मरकर पत्तों की तरह टपक रहे हैं। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी लगी तो कई लोग इन मरे हुए चमगादड़ों को बोरी में भरकर अपने घर ले जाने लगे और वजह पूछने पर बताया कि इनकी हड्डियों से दर्द आदि की दवाई बनाई जाती है। हालांकि जानकारी लगने के बाद नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और मरे हुए चमगादड़ों को कचरा वाहन में भरकर दूर फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तालाब के आसपास कई ऐसे पेड़ हैं जिनमें चमगादड़ रहते हैं, लेकिन सुबह से अचानक हजारों चमगादड़ गर्मी या किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मरने लगे और अचानक पत्तों की तरह पेड़ से टपकने लगे। जानकारी लगने के बाद आसपास के लोग इस नज़ारे को देखने के लिए मौके पर पहुंचे तो कुछ लोग इन मरे हुए चमगादड़ों को बोरी में भर कर ले जाने लगे। उन्होंने बताया कि चमगादड़ों की हड्डियों का इस्तेमाल दर्द एवं अन्य प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए दवा बनाई जाती है। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय निवासी कैलाश कुशवाहा ने आगे क्या कुछ बताया। तो कब से हो रही घटना? कल परसों से तेज है ना, 46 डिग्री टेम्परेचर अपने पे, ये कारण सब गर्मी के कारण मछलियाँ जी सब चमगादड़ जी। नहीं तो कितनी चमगादड़ करीब यहाँ मर गई हैं? कम से कम 500 से ज्यादा मर गई अंदाजा। फिर बदबू भी आ रही है? बदबू तो आता ही भाई, सब जो गंदगी तो फैलता ही है। तो लोग भी उठा के ले जा रहे हैं यहाँ? लोगों को नहीं ले जा रहे, जैसे पाँव फटता है ना उसके लिए हड्डी हड्डी काम में आती बोलती है, तो ले जाती है एक दो। अच्छा दवाई बनाने, दवाई के लिए नगर पालिका भी टीम आई थी? नगर पालिका की टीम आई थी, सुबह उन्हें सफाई कर दी, फिर गिरने लगी वो, सूख गई, पेड़ पर लटकी है। कितने दिनों से हो रहा है? अब कल ऐसी हुआ, पर कल ज्यादा गर्मी थी, कल से बता रहे कि 2,500 चमगादड़ मर गई। इतनी तो मर ही गई, बहुत चमगादड़ है। उस पीपल का पेड़ भी, इकट्ठी पीपल के पेड़ पे बैठी तो वो डगार भी टूट के गिर गई पानी में। क्या नाम है? चमगादड़ का कारण गर्मी भी हो सकती है, इसमें बीमारी फैली है, इसके कारण चमगादड़ रोज के 1,500 चमगादड़ मर रही हैं, लोग उठा ले के जा रही हैं और मोहल्ला में बीमारी होने का बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं इसका कारण क्या है, क्यों मर के गिर रही हैं, और बहुत मोहल्ले वालों को इससे तकलीफ है और शिकायत भी की है, कोई सरकारी अमला नहीं आया, ना नगर पालिका से, न कहीं से। कितनी चमगादड़ अभी तक यहाँ मर गई होंगी? कम से कम 2,500 चमगादड़ मर चुकी हैं। तो क्या मर के वो गिर रही हैं नीचे? मर के गिर रही हैं, बरगद के पेड़ में मरी टंगी हुई हैं और उसकी नीचे डरी हैं। अभी बहुत सी आदमी ले गए हैं, उठाकर ले गए हैं, ले गए हैं।
अच्छा यहाँ बदबू भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। ज़्यादा बदबू है, निकन्ना मुश्किल है। इधर मंदिर है हनुमान जी का, वार्ड नंबर 4 है और प्रसिद्ध मंदिर है। जितने आदमी आते हैं इधर भगवान की पूजा करने के लिए वो भी बहुत परेशान है। और तालाब है इधर, नहाने धोना में बड़ी तकलीफ है आदमी को। तालाब में भी गिर रही हैं क्या? तालाब में गिर रही हैं। क्या वजह समझ में आ रही है आपको? अब इसकी ये बीमारी है या गर्मी के कारण बन रही, इसको तो पता नहीं। इसको शासन आके जांच कराएं, इसकी शासन पर बताए कि गर्मी के कारण बन रही थी, बीमारी के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश कुशवाहा। कहाँ रहने वाले? सुकुलिया मोहल्ला। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रतलाम में दिनांक 22 तारीख को लापता हुई महिला की लाश झाबुआ जिले के पेटलावद में मिलने के बाद समाजजन और परिवार के लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। महिला के पति ने मीडिया को बताया कि उसकी पत्नी 23 तारीख को घर से बाजार जाने के लिए कहकर गई और शाम को मोबाइल बंद होने के बाद परिवार ने आए थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 28 तारीख को उस महिला की लाश माही नदी में हाथ पैर टेप से बंधे हुए कार्टून में बंद मिली थी। महिला के शव के शिनाख्ती बाद परिजन ने आरोप लगाया कि महिला के पास उसके जेवरात और गाड़ी भी थी जो अभी तक नहीं मिले। परिवार को संदेह है कि महिला के साथ लूट और मारपीट की हत्या की है। ब्राह्मण समाजजन ने ज्ञापन में मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं एसपी राकेश खाखा ने बताया कि परिवार और समाजजनों द्वारा आवेदन देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जाँच की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक महिला का पति भगवती लाल उपाध्याय और एएसपी रतलाम राकेश खाखा का क्या कुछ कहना है। अरे सर, 23 तारीख के दिन घर से बोल के निकली थी मेरे बच्चों को, मैं तो था नहीं घर पे, और जब मैं वापस आती हूँ घंटे तो घंटे में कुछ बाजार का काम है करके, और जब 7 बजे उसका मोबाइल बंद हो गया तो हमने रात को थाने पे कायमी करवाई थी। उसके बाद हम हर रोज थाने जा रहे हैं, CDR निकले, ये ने वो देखा है, ना वो देखा है, ना वो चल रहा है, जबकि ऐसा पक्का है कि 23 तारीख को ही उसकी हत्या कर दी गई और 23 तारीख को ही उसको नदी में फेंक दिया गया है। 25 तारीख को बाड़ी मिली है वहाँ माही नदी में, और 28 तारीख को रात को 10:30 बजे मेरे को मालूम पड़ा भाई, मेरे को TI साहब ने फोटो बताए थे कि भाई आप देखिए, तो उसमें हमारे पहचान हुई, मिल गई वो, नहीं तो वो मिलती भी नहीं, साले हरामी ने ऐसा किया हमारे साथ। इसके अंदर क्या कुछ आपको शंका है किन लोगों पे? किसी के ऊपर शंका नहीं है, मुझे पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, वही जल्दी से जल्दी तलाश करे और वही पकड़ के लाए मुजरिम को और सबके सामने पेश करे। महिला के क्या गहने वगैरह भी? महिला के गहने थे, उसका मंगलसूत्र थे, कान के थे, पाइजेब था, नथ थी, कुछ भी नहीं मिला हमको। स्कूटी, मोबाइल, स्कूटी, गाड़ी भी लेके गई थी, मोबाइल, गाड़ी, कुछ भी नहीं मिला अभी तक, बस बाड़ी मिली हमको। तो ये जघन्य अपराध में जो भी है दोषी, उसको जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे। वो आदमी का ऊपर शक भी है ना? वो आदमी वो बिठा रखी हो बड़ी नहीं अभी तक तो। आपका पूरा नाम? मेरा नाम भगवती लाल उपाध्याय। हाँ, परिवारजन द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें उन्हें समझाइश दी गई है और उनको बताया भी गया है कि पुलिस सतत लगी हुई है और निश्चित रूप से जो है उसमें शीघ्र अतिशीघ्र पुलिस निर्णय में पहुंच जाएगी। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।